नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज 15 तारीख है और दिन मंगलवार है और ये देखिए 2 बज रहा है और मेरा अभी खाना नहीं बना है, सिर्फ दाल चावल ही बना के रखे हैं। सब्जी बनाना है और यहाँ पे ये देखिए चिप्स रखा हुआ है और ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ है क्योंकि धूप नहीं निकल रहा है और जिस दिन से इसको बनाया है उस दिन से धूप ही नहीं निकल रहा है। तो देखते हैं ये कैसे सूखेगा, ऐसे पंखा के नीचे रखा हुआ रखता है और लग रहा है ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पे मिर्च भी रखे हुए हैं, हरा मिर्च धो करके इसको रख दिए हैं ताकि इसका पानी निकल जाए, ताकि ख़राब ना होगा और इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख लेंगे। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना है और वो अभी घर में नहीं है, आएंगे इसके बाद खाना खा करके फिर ड्यूटी निकल जाएंगे। तो चलिए किचन में सब्जी बना लेते हैं। और ये देखिए चावल बन गया है और इसमें हम दाल बनाए हैं, अभी इसमें छौंक लगाना है। और यहाँ पे हमें सब्जी बनाना है कच्चू की यानी अरबी, और यहाँ पे बैंगन का भाजा बनाएंगे और ये लहसुन छिल करके रखे हैं दाल में छौंक लगाने के लिए। तो चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से हम लहसुन को कट कर लेते हैं दाल में छौंक लगाने के लिए और हस्बैंड आ गया है तो वही हम उनसे बातें भी कर रहे हैं और यहाँ पे लहसुन कट करके और दाल में छौंक लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कलछी चढ़ा दिए हैं गैस पे और छौंक लगाते हैं तो हम कलछी से ही लगा लेते हैं, ऐसे मेरे पास तड़का पैन भी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सरसों तेल डाल देंगे और इसमें जीरा डाल देंगे और इसके बाद लहसुन और सूखी मिर्च डाल करके और छौंक लगा लेंगे। और इसके बाद हम पहले बैंगन का भाजा बनाएंगे और इसके बाद हम अरबी की सब्जी बनाएंगे। और यहाँ पे मैं दाल घोंट रही थी, वैसे दाल मैं घोटती नहीं हूँ लेकिन इस दाल में मैं बैंगन डाली थी, ये बैंगन वाली दाल बनाई थी और बैंगन वाली दाल काफ़ी टेस्टी लगती है। यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं बैंगन वाली दाल को शेयर करूँगी। तो वही यहाँ पे मैं छौंका लगा रही हूँ और ये देखिए यहाँ पे सूखा मिर्च निकाल रहे थे छौंक लगाने के लिए, और सूखा मिर्च का छौंक लगाने से दाल काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे दाल में छौंका मैं लगा ली हूँ और इसके बाद इसी गैस के ऊपर हम कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई जब से गर्म होगा तब तक हम बैंगन का भाजा बनाने के लिए इसमें मसाला को मिक्स कर लेंगे। तो भाजा में कुछ ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है, तो सिर्फ इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और गोल की जीरा का पाउडर और नमक डाल देंगे। वैसे इसमें हम आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं पर मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैं बस इन्हीं 3-4 चीज़ों से मिक्स करके और भाजा बना लूँगी। तो इन सभी मसालों को हम बैंगन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी बैंगन चारों तरफ से कोट हो जाए मसालों में। और इसके बाद एक एक करके हम बैंगन को सरसों का तेल में तल लेंगे। तो ये देखिए एक एक करके मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे बैंगन का भाजा डालने के बाद मैं हस्बैंड का खाना निकाल रही हूँ क्योंकि उनको जल्दी भी निकलना है, तो सिर्फ दाल चावल और बैंगन का भाजा दे देंगे क्योंकि सब्जी तो अभी बना नहीं है। तो बैंगन को हम अच्छे से उलट पुलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे यानी तल लेंगे, और जब ये बैंगन पक जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए बैंगन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और पक भी गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे और इसके बाद फिर से हम बैंगन को डाल देंगे और इसी तरह से हम सारे बैंगन को तल लेंगे।
तो ये देखिए सारे बैंगन हमने तल लिए हैं और बैंगन हमारे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यानी बैंगन का भाजा। और इसी बचे हुए जो तेल बचा हुआ है कढ़ाई में, तो इसमें हम डाल देंगे जीरा, क्योंकि हमें अरबी की भी सब्ज़ी बनानी है और जीरा चटक गया है, तो इसमें हम डाल देंगे अरबी। और अरबी को हम अच्छे से भून लेंगे। और वैसे मेरी अरबी थोड़ी कम पड़ रही थी, यानी सब्ज़ी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं 3 आलू भी कट करके डाल दिए थे। और यहीं पे हम डाल देंगे नमक। नमक डाल देने से अरबी और आलू तुरंत गल जाएगा। वैसे मेरे घर में अरबी की सब्ज़ी काफ़ी पसंद की जाती है और अच्छी भी लगती है, पर यहाँ पे अरबी थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे 2 आलू ऐड कर दी हूँ। और इन आलू और अरबी को हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भून लेने के बाद सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है और पक भी जाती है, और जो अरबी में लसलसापन है वो ख़त्म हो जाता है। और यहीं पे हम ऐड कर देंगे टमाटर, क्योंकि हमारी सब्ज़ी भून गई थी। और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गोलकी जीरा का पाउडर। और आप चाहे तो गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर गर्म मसाला ऐड नहीं करी हूँ। और मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारे मसाले तेल न छोड़ने लगे। और इसे अब हम ढक देंगे, और ढक ढक करके ही हम इसे मसालों को भूनेंगे, ताकि हमारे सब्जी भी पक जाए और मसाले भी भून जाएं। और मसाले अभी हमारे भुने नहीं हैं, तो जब तक हमारी सब्जी भून रही है तब तक हम बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि दोनों काम साथ साथ होते रहेगा और किचन भी काफ़ी मैसी मैसी लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम दाल को खाली कर दिए हैं और कुकर खाली हो गया है, तो इधर सिंक में कुछ नाश्ते के बर्तन पड़े हैं, तो मैं इन बर्तनों को भी धो लेंगे और स्लेब को साफ कर लेंगे। तो सब्जी हमारी अच्छे से भून गई है, मसाले तेल छोड़ने लगे हैं, तो ऐड कर देंगे हम पानी। और पानी जितना हमें ग्रेवी रखनी है उतना ही डालेंगे। वैसे हम अभी सूखी सब्जी बना रहे हैं, इसलिए पानी थोड़ा ही ऐड करेंगे, और यदि ग्रेवी वाली बनानी रहती तो थोड़ी और ऐड कर देते। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूँ और इसके बाद ढक दूँ हूँ। और मैं आप लोगों को सब्जी दिखाना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैं खाना निकाल रही हूँ, तो यही आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए चावल हमने लगा लिया है, और इसके बाद दाल, और ये बैंगन वाली दाल है, और वो आलू कच्चू की सब्जी। और ये देखिए सब्जी काफ़ी टेस्टी दिख रही है और बहुत टेस्टी बनी भी थी। और इसके बाद बैंगन का भाजा, ये देखिए बैंगन का भाजा और अचार। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, खाना काफ़ी टेस्टी बना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ सीधे सुबह में, क्योंकि दोपहर के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पे हम उठ गए हैं, और मैं और हस्बैंड उठ गए हैं, और वैसे हस्बैंड बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह में, क्योंकि दूध लाना होता है और बच्चे सो रहे हैं। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ नींबू पानी सुबह की, और इसके बाद जो भी खाली पेट में मेडिसिन लेने होते हैं तो वो मैं यहाँ पे ले लूँगी। और आज हस्बैंड को बोली चादर उठा देने के लिए। और वैसे जब से तबीयत खराब हुआ है सभी लोग मिल बाँट के काम कर लेते हैं, और मेरे हस्बैंड में वो कोई ये नहीं है कि कोई काम नहीं करते हैं, सभी काम को बोल देने से कर देते हैं। तो ये देखिए वो चादर उठा दिए थे, तो मैं यहाँ पर चादर डाल देती हूँ। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि ये तकिया मैं खुद बनाई हूँ, और इसमें चैन लगा दी है, और इसके बाद रुई डाल दी है, और ये जींस कपड़े से बनी हुई है। और ये चैन भी जो बैग, बच्चों के स्कूल बैग जो ख़राब हो जाते हैं, वही चैन को हम निकाल करके रख देते हैं और यही सब यूज़ में ला लेते हैं। और वही यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तो मैं इसमें भी कवर डाल दूँगी। तो सुबह के काम हमारे हो गए हैं, और मैं अभी नहाऊँगी नहीं, थोड़ी लेट से नहाऊँगी। और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, तो चीनी चाय पत्ती डाल देते हैं, क्योंकि हस्बैंड को अभी कहीं निकलना है, तो चाय पी करके और इसके बाद निकल जाएंगे। तो
दोस्तों यहाँ पे चाय हमारी खोलने लगी है। वैसे मैं सुबह की चाय पीना बंद कर दी हूँ, बहुत कम पीती हूँ। वैसे मैं चाय भी बहुत कम पीती हूँ, सिर्फ सुबह और शाम, पर जब से डायबिटीज़ का ये हुआ है तब से मैं चाय भी थोड़ी कम कर दी हूँ, यानी सुबह की तो बंद कर दी हूँ। और यहाँ पे चाय छान लूँगी और उधर मैं दूध भी चढ़ाती हूँ। तो आ जाइए, आप भी चाय पी लीजिए, चाय हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे चाय पीने के लिए मैं बैठ गई हूँ और हम लोग चाय पी रहे हैं और कुछ बातें भी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं मोबाइल चला रही हूँ और किसी की वीडियो देख रही हूँ। तो मैं बता देती हूँ किसकी वीडियो देख रही हूँ। तो मैं गुड़िया की वीडियो देख रही हूँ, गुड़िया मल्टी ब्लॉग यादव, क्योंकि मैं 2-3 दिन से उनकी वीडियो नहीं देखी थी। तो मैं एक ही बार चला देती हूँ कभी कभी, और यदि टाइम मिलता है तो मैं रोज़ भी देख लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम काफ़ी चल रहे हैं, बहुत ही स्लो चल रहा है। कब ये भी वीडियो कब जाएगा वो पता नहीं है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, और हम नहा धो करके आ गए हैं। और ये देखिए आज हम क्या पहने हैं, आप लोगों को कुछ नया दिख रहा होगा। वैसे मैं 5 साल पुराना सूट पहनी हूँ, और आज मौसम ही अजीब सा है क्योंकि बहुत दिन से बारिश ही हो रही है, और आज तो जब से उठे हैं तब से ही बारिश हो रही है। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ, और ये देखिए आम, सारे आम गिर गए हैं, बस कुछ ही अभी आम पड़े हुए हैं। और जब से सुबह से उठे हैं तो बारिश बारिश। और ये देखिए चारों तरफ कपड़े, क्योंकि कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, और ये चिप्स भी नहीं सूख रहे हैं। और ये देखिए हमारे पुत्र जी क्या कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ये वीडियो कल से कंटिन्यू चला रहा है और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अच्छी लगी हो तो भर भर के लाइक कीजिए और फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब हमारे चैनल को यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे जब से मैं आई हूँ अब 1 साल हो जाएगा 26 जुलाई को, और हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, 300 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं और 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, और लगभग 700 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो प्लीज़ फुल सपोर्ट कीजिए, और मैं वीडियो पे को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।